हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, उसका वर्किंग क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये सब आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे। कैपेसिटर से पहले आपको किसी भी चीज़ को सीखना है तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस होने चाहिए कि ये आप लोग क्यों सीख रहे हैं, ये आपको कहाँ काम आएगा। तो कैपेसिटर हम लोग को किसी भी सर्किट में आपको 99% कैपेसिटर काम आएंगे। कैपेसिटर हमको इसीलिए काम आते हैं क्योंकि ये हमको इलेक्ट्रिकल चार्ज एनर्जी स्टोरेज करके देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की शक्ति है कैपेसिटर में। अब देखते हैं कैपेसिटर क्या है। ठीक है, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कैपेसिटर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे स्टोर करता है ये देखने के लिए हमको इसका कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। इसके कंस्ट्रक्शन में हमने यूज़ करी है दो प्लेट। अब दोनों प्लेट का नेचर है कंडक्टिंग नेचर। तो आपको तो पता ही है कि कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से इजीली पास होने देता है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेट्स जो हमने रखी है वो दोनों है कंडक्टिंग प्लेट्स। अब जो बीच में आप देख रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ये एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जो इंसुलेटर होता है नेचर में, ऑपोजिट टू कंडक्टिंग नेचर। तो इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से इजीली पास ना होने दे। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर एक पावर सोर्स लगाएंगे तो इधर से अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस प्लेट के ऊपर, तो वो इस प्लेट के ऊपर से दूसरी प्लेट के ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि बीच में हम लोग ने रखा है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। इसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और सिमिलरली इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा कि दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इस इफेक्ट का नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। तो कैपेसिटेंस हमको क्या करता है कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है जो कि होती है डाइइलेक्ट्रिक में। पिछले डायग्राम ने आपने देखा कि ये येल्लो है, पर इस वाले 3D कैपेसिटर के डायग्राम में ये जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अब ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस हमने रखी है डी, और जो कंडक्टिंग प्लेट्स है हमारी उसका एरिया है ए। अब अगर आप देखोगे कि सी मतलब कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होगी, तो वो फॉर्मूला बनेगी जो हम लोग चार्ज स्टोर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय हमने जो वोल्टेज उनको दिया है। मतलब जो दोनों प्लेट के ऊपर हम लोग ने चार्ज स्टोर करवाया है डिवाइडेड बाय जो वोल्टेज हमने दोनों प्लेट के ऊपर एग्जर्ट किया है। ठीक है, अब सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी हमको मिल गया इसके ऊपर से, और इसका कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फेरेड, जो आया है फेरेडे के ऊपर से जिसने कैपेसिटर को हमको सिखाया है, और हम इसको डिनोट करते हैं एफ से। आपने देखा होगा हम लोग जनरली कैपेसिटेंस माइक्रो फेरेड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एक्सट्रिंसिक, क्योंकि हम लोग चार्ज और वोल्टेज दोनों सर्किट में यूज़ करते हैं, पर जब हम लोग कैपेसिटर मैन्युफैक्चर करते हैं तब ना ही हम कोई चार्ज स्टोर करते हैं ना ही कोई वोल्टेज एग्जर्ट करते हैं उसके ऊपर। तो जब भी हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू का कैपेसिटर बनाना होता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग लेंगे ए जो है एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, डी जो है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और हम लेंगे एप्साइलन जो है डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है ये एक क्वेश्चन आएगा आप। परमिटिविटी वो होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से कितना इजीली पास होने देता है। तो अगर हम लोग ये देखेंगे फॉर फ्री स्पेस तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो या फिर एप्सिलॉन नॉट। तो इसके ऊपर से हमको कैपेसिटेंस की फॉर्मूला मिलेगी सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी। तो ये हो गई इसकी इंट्रिंसिक फॉर्मूला। ठीक है, नाउ हाउ डज द कैपेसिटर वर्क। तो
तो हमने देखा कि कैपेसिटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा है। अब हम जब भी सर्किट्स में देखेंगे तो ये सिंबल उसका है कैपेसिटर का, पर ये सिंबल नॉन पोलर कैपेसिटर का है। कैपेसिटर में भी तीन या चार टाइप्स होते हैं। एक है नॉन पोलर कैपेसिटर जो होता है दो पैरेलल लाइन, एक होता है पोलर कैपेसिटर जिसमें एक पैरेलल लाइन होती है पर एक कर्व्ड लाइन होती है, और ये जो कर्व्ड लाइन होती है वो हमारा डिनोट करता है कैथोड को, ठीक है। और ये होता है एनोड, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया ये पोलर कैपेसिटर। इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। पर ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर, ये जो एरो डिनोट करता है कि हम लोग ये कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक नॉर्मल नॉन पोलर कैपेसिटर लिया और उसके ऊपर बैटरी लगाई, ठीक है, दोनों एंड पर, तो जो नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का उधर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और एक प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ठीक है। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज जाएगा और दूसरी प्लेट पर एक्यूमुलेट होगा, ये इसको हम बोलेंगे चार्ज्ड कैपेसिटर, क्योंकि एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ, दूसरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ। अब जब हम बैटरी निकालेंगे तो ये चार्ज कैपेसिटर हम कोई भी सर्किट में लगा सकते हैं, और उधर ये एक सूडो पावर सोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि इधर से वो पॉजिटिव चार्ज देगा, इधर से वो नेगेटिव चार्ज देगा, ठीक है। कैपेसिटर इन सर्किट्स, तो जैसे आपने देखा कि रेजिस्टर को हम लोग दो तरीके से कोई भी सर्किट में यूज कर सकते हैं, एक हो गया पैरेलल, एक हो गया सीरीज। सिमिलरली कैपेसिटर को भी हम लोग सीरीज और पैरेलल तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, तो बेसिकली पॉजिटिव पहले कैपेसिटर का पॉजिटिव और दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव दोनों शॉर्ट कर दे और एक सिंगल टर्मिनल, और नेगेटिव और नेगेटिव और एक सिंगल टर्मिनल, तो वो हो गया पैरेलल। पर अगर पहले कैपेसिटर का नेगेटिव और दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव शॉर्ट करे तो वो हो जाएगा सीरीज, ठीक है। अब जो रेसिप्रोकल मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है पैरेलल में, वो हो जाएगा दोनों कैपेसिटेंसेस का सम, मतलब सीपी अगर हम देखें इस पूरे का तो वो होगा C1 प्लस C2, और अगर इसका कैपेसिटेंस हम देखें तो वो हो जाएगा 1/CP CS बिकॉज इट इज सीरीज, तो वो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, ओके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, अब हम लोग ने वो तो पढ़ लिया कि कैसे सर्किट में कैपेसिटर को यूज करते हैं, अब देखेंगे कि कौन से कैपेसिटर होते हैं। तो मेनली हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक और सिरेमिक कैपेसिटर्स यूज करते हैं रोबोटिक्स के लिए, ठीक है, पर होते बहुत सारे हैं, जैसे हो गया सुपर कैपेसिटर एक्सेट्रा। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक और सिरेमिक क्यों यूज करते हैं, जो मैंने बताया आपको कि पोलर कैपेसिटर, आपको ये जो मैंने बताया पोलर कैपेसिटर, जनरली इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं पोलर कैपेसिटर, इधर माइनस और प्लस होता है, और जो सिरेमिक कैपेसिटर आप यहाँ देख रहे हैं वो होता है नॉन पोलर कैपेसिटर, ठीक है। अभी पोलर कैपेसिटर में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा माइनस है, कौन सा प्लस है, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, तो इसके लिए इधर देखिए, ये जो माइनस का ग्रे आपको दिख रहा है, माइनस माइनस, और ये वाला लेग है, तो जो भी छोटा लेग होगा वो होगा कैथोड, मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव की साइन के नीचे जो लेग होगा वो भी होगा कैथोड। आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है, अगर आपको कोई कैपेसिटर के दोनों लेग इक्वल, मतलब किसी ने बड़ा और छोटा का लेंथ सेम कर दिया, तो आप इसके ऊपर से जान पाएंगे कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, ठीक है। देर आर वेरिएबल कैपेसिटर्स ऑल्सो, जैसे हमने पहले देखा। अब कैपेसिटर आर ऑल्सो मेनली मेड बाई मैनी मटीरियल्स लाइक माइका एंड टेंटेलम, आप आगे देखोगे। ओके, वाई डू वी यूज कैपेसिटर्स, अब हमने ये जान लिया कि कैपेसिटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, हम लोग रोबोटिक्स में कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। पहला और मेन, हम लोग वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखने के लिए यूज करते हैं। अगर हमारा वोल्टेज बहुत वेरी हो रहा है तो हम लोग एक कैपेसिटर उसके शंट में बोलते हैं। तो शंट में कैपेसिटर क्या करता है, वो चार्ज होता है
और जब भी वोल्टेज कम हो तो वह अपना वोल्टेज उसको देके सेम लेवल पे ला देता है। तो क्या होगा कि जब भी हमारा वोल्टेज सोर्स से कम जाएगा तो भी वोल्ट कैपेसिटर के वजह से वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। टू रिमूव नॉइस कॉस्ड बाय अदर सर्किट एलिमेंट्स, आप आगे देखोगे कि ऐसे बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी सर्किट में नॉइस क्रिएट करते हैं। कैपेसिटर हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हमको उस जगह से नॉइज़ रिमूव करना है, ठीक है। अगर हम एसी और डीसी कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं और वो मिक्स हो जाए तो हम लोग कैपेसिटर को एसी और डीसी कंपोनेंट्स डिफर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट करने के लिए। और ट्यून सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर हमको चाहिए तो वो सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग कैपेसिटर्स यू कैन मैसेज अस अंडर व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन डीएम अस ऑन @GTURobotics Club और यू कैन ऑल्सो मेल अस @GTURobocon@gmail.com। थैंक यू।